मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर कांग्रेस और कमलनाथ को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। जिनकी सरकारों ने पोलियो और चेचक की वैक्सीन बनाने में बरसों लगा दिए, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने महामारी की वैक्सीन सालों में नहीं, कुछ दिनों में बनाकर बता दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश कोरोना से सामूहिक रूप से मुकाबला कर रहा है। प्रधानमंत्री ने 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीन मुहैया कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से मुकाबले में अब प्रदेश जीत रहा है। आप अंदाज करो कि इनको अब कोई विषय मिल नहीं रहा है। मुद्दा विहीन विपक्ष है। ये वो लोग वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं जिनने पोलियो और चेचक के टीके बनाने में बरसों लगाए थे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितने उनको साल लगे उतने महीने भी नहीं लगने दिए और वैक्सीन लेके आ गए, वो भी महामारी की, किसी रोग की नहीं, महामारी की वैक्सीन लेके आए। और पूरे देश में निशुल्क कर दी उसे। पीड़ा इन्हें इसी बात की है कि ये ट्वीट के आगे बढ़ ही नहीं पाए। प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों, और मोदी जी ने दीपावली तक निशुल्क राशन, निशुल्क वैक्सीन करके इनकी बची कुची जो बातें थी वो भी बंद कर दी। अब ट्वीट क्या करें तो ऐसे ट्वीट हो रहे हैं। मिश्रा के अनुसार प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ ने पत्रकारों व मीडिया के साथ न्याय नहीं किया। जब वे मुख्यमंत्री पद से हटे तो उन्हें पत्रकारों से माफी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने पत्रकारों को भाजपा और कांग्रेस में बांटा है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि किसी का कुछ नहीं छिनेगा, न कोई बेरोजगार होगा। जी का मैंने भी पढ़ा है जो आप बात कर रहे हैं। ये वही कमलनाथ जी हैं जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो जहनुमा होटल में पत्रकारों से माफी मांग रहे थे कि मैं आपके साथ न्याय नहीं कर पाया। ये वही कमलनाथ जी हैं जो जिन्होंने भाजपा और कांग्रेस में पत्रकारों को बांट दिया था। ये वही कमलनाथ जी हैं जो अब अघोषित रूप से किसी बिना जनसंपर्क वाले व्यक्ति से जनसंपर्क का काम और गुजरात की कंपनी के द्वारा करवाना चाहते थे। न तो किसी से कुछ छिनने वाला है, न किसी को कोई नुकसान होने वाला है, न कोई बेरोजगार होने वाला है। अब इन्हें कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है, ये मूल बात। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।